नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान रोडवेज की अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों मुख्यमंत्री जी की तरफ से 1 लाख पदों की नए पदों को भरने के लिए बजट में घोषणा की गई और जैसे ही घोषणा हुई उसके तुरंत बाद कार्मिक विभाग इन पदों को भरने के लिए इस पर अमल करने के लिए एक्शन में आया और कार्मिक विभाग के मुख्य सचिव की तरफ से राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबको लेटर लिखा गया और 21 तारीख को सभी विभाग के जो अधिकारी है उनको एक मीटिंग बुला करके इनको बोला गया भी 21 तारीख की जो मीटिंग है उसमें सभी विभागों के अधिकारियों को एक एक अधिकारी को शामिल होना है और इस बायोडाटा के साथ में शामिल होना है कि आपके विभाग में कितने पद खाली है, कौन कौन सी पोस्टों के खाली है और उसके बाद में आप कितने पदों पर स्वीकृति चाहते हो, ताकि हम ये देख सके भी 1 लाख पद में से अलग अलग जो विभाग है उन विभागों की कितनी कितनी वैकेंसी देनी है। तो उसी के क्रम में रोडवेज की तरफ से जो लेटर जारी किया गया दोस्तों, तो आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं, कंप्लीट चीजों के बारे में बात करेंगे और लास्ट में यह भी अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे ये वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है। खास तौर से आईटी और डिप्लोमा वाले बच्चों को इस वैकेंसी से काफी ज्यादा उम्मीद है। आईटी के वो सभी बच्चे जो टेक्निकल हेल्पर के मेन एग्जाम में रह गए, सर एज की वजह से बाहर हो गए, सर मेरा तो पॉइंटों में रह गया, सर वेटिंग लिस्ट आई गया, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है, डिटेल में अपन बात करेंगे। चैनल पर जो बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में जितने भी जो भी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन होते हैं वो शेयर करता रहता हूं, क्योंकि सभी चीजों पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है किसी न किसी काम की वजह से, तो नोटिफिकेशन वहां पर शेयर कर देता हूं। आज के दिन में भी मैंने 2-3 नोटिफिकेशन दिए हैं और आईटी के जो राजस्थान वाले बच्चे हैं जयपुर में 19 से लेकर 21 मार्च तक एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है जिसमें 400 के आसपास में कंपनियां आएगी, तो उसमें आप जा सकते हो। इसकी सारी डिटेल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपन इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं इन्होंने जो ऑफिशियल लेटर है इसमें क्या चीजें लिखी है, उसके बाद में अपनी चर्चा अपन करेंगे। इन्होंने बताया 2014 के बाद में रोडवेज के अंदर कोई भी सीधी भर्ती हुई नहीं है। वैसे भर्ती 2013 में हुई थी बड़ी भर्ती, देखे तो 14 में कोई छोटी बड़ी होगी पता नहीं है, और 13 से लेकर के इसमें कोई भर्ती आई नहीं थी। तो पहले से उम्मीद थी भी चुनाव से पहले रोडवेज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बड़ी भर्ती आ सकती है ना। कई सारे लोग ऐसे थे जो कि चालक और परिचालक के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, तो लोगों ने काफी लंबे टाइम से वो बना रखा था, इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। आगे इन्होंने लिखा भी सीधी भर्ती के लिए राजस्थान रोडवेज में 8400 पद है वो वर्तमान में रिक्त है, और इन्होंने बताया 14/2/2023 को राजस्थान रोडवेज के 240 पद है उनको खत्म किया गया किसी कारण की वजह से। अब इन्होंने जितने पदों के लिए स्वीकृति मांगी है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने कितने लोग रोडवेज में काम कर रहे हैं उनके बारे में बताया, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कनिष्ठ अभियंता ग्रेड बी यानी कि जूनियर इंजीनियर के बारे में इन्होंने बताया, टोटल राजस्थान रोडवेज में 207 पद है जय के, उनमें से केवल मात्र 42 लोग इनके पास में काम कर रहे हैं। 165 वैकेंसी अभी जय की रिक्त है और 100 पदों के लिए इन्होंने स्वीकृति मांगी है। 165 पद रिक्त है और 100 पदों के लिए स्वीकृति मांगी है। कारण जो भी रहा हो सकता है भी राजस्थान रोडवेज का इतना ज्यादा क्रेज नहीं रहा, लोक परिवहन वगैरह बसें चल गई, तो इन्होंने ये समझा होगा भी 165 की बजाय 100 हो गए तो भी अपना काम चल जाएगा। उसके बाद में कनिष्ठ विधि अधिकारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, शीघ्र लिपिक है, ये तो नॉन टेक्निकल पोजिशन होगी। अब दो पोजिशन ऐसी है उनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है वो चीजें मेरे अभी तक ध्यान में नहीं है, लेकिन शायद डिप्लोमा वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। वो दो कौन सी पोजीशन है, सहायक यातायात निरीक्षक और उसके बाद में उप भंडार निरीक्षक। दोस्तों राजस्थान पुलिस के हिसाब से देखें ना भी आरटीओ वाले यातायात डिपार्टमेंट के अंदर राजस्थान पुलिस में जब वैकेंसी आती है तो वहां पे डिप्लोमा मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले बच्चों से आवेदन मांगा जाता है, तो उस तरीके से देखें तो इनमें भी डिप्लोमा वाले एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन फाइनल अपन कुछ नहीं कह सकते। और कौन कौन सी ट्रेड के लिए कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसी आएगी इस पर मैं कल या फिर परसों तक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इनके पीछे के नोटिफिकेशन को देख करके। सहायक यातायात निरीक्षक इनके पास में इन्होंने 125 पदों की स्वीकृति मांगी है। उप भंडार निरीक्षक है इनमें इन्होंने 100 पदों की वैकेंसी मांगी है, और ये एक टेक्निकल पोजीशन है तो डिप्लोमा यहाँ पे अलाउ हो सकते हैं। उसके बाद में अपन देखें टेक्निकल पोजीशन, तो आर्टिजन ग्रेड थर्ड है, आर्टिजन ग्रेड सेकंड होता है और इसमें थर्ड होता है, तो इन्होंने 2 की तो कोई वैकेंसी नहीं मांगी है। आर्टिजन ग्रेड थर्ड के लिए इन्होंने बताया भी टोटल
24 पद है वो रोडवेज के पास में है, उनमें से पूरे राजस्थान में रोडवेज के पास में आईटी वाले मात्र 107 लोग काम कर रहे हैं। कैसे ये विभाग चल रहा है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। टोटल इन्होंने बताया भी अभी इनके पास में वर्तमान में 1817 पद है वो रिक्त है आर्टिजन ग्रेड दर्जे के। उसके बाद में इन्होंने जो स्वीकृति मांगी है 1500 पदों के लिए स्वीकृति मांगी है। अब राजस्थान के अंदर 1500 पदों पर आईटी वाले बच्चों के लिए रोडवेज जैसे डिपार्टमेंट में भर्ती आती है तो ये एक बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर वगैरह की जो भर्ती होती है वो पहले से चर्चा में होती है, लोग बहुत ज़्यादा उससे उम्मीद करते हैं। वहाँ पर भी 1500 के आसपास में वैकेंसी आई थी, तो रोडवेज के अंदर अगर ये भर्ती आ जाती है खास तौर से जो टेक्निकल हेल्पर में जो बच्चे मेन एग्जाम में बाहर हुए हैं जिनको बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है नई भर्तियों से उम्मीद है, तो उनके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी होगी। और साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि जो आईटी वाले बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ना मत, क्यों नहीं छोड़ना, अभी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि जो प्लांट है थर्मल वगैरह उनके भी वैकेंसी आने वाली है। 700 के आसपास में उन्होंने पद वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेज रखे हैं, पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज अगर रोडवेज में आर्टिजन की भर्ती आती है आगे चुनावों का आसार है तो वैकेंसी जो आएगी इसी साल में आएगी, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखना, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो सकता है ना। उसके बाद में आगे इन्होंने जो बताया, इन्होंने बताया परिचालक की और चालक की, जहां पर इन्होंने 2000 और 1000 टोटल इन्होंने 3000 की वैकेंसी बता रखी है कंडक्टर और ड्राइवर की, जहां पर लाइसेंस मांगा जाता है, तो टोटल इन्होंने बताया 5200 पद ऐसे है जिनके लिए हमारे को स्वीकृति चाहिए, तो 5200 पदों के लिए इन्होंने स्वीकृति मांगी है। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से वैकेंसी थी। उसके बाद में बात आती है कि सर इसकी तैयारी तो हम करें लेकिन इसकी भर्ती आएगी कब तक। दोस्तों जो भी इन्होंने बजट के अंदर 1,00,000 पद इन्होंने घोषित की है ना, इन सब की भर्ती मार्च एंड होने के बाद में यानी कि अप्रैल से आनी स्टार्ट हो जाएगी और 100% स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल में अगर ये स्टार्ट नहीं करेंगे तो 23 के लास्ट में चुनाव है, चुनावों से पहले इनको भर्ती भी करवानी है, ज्वाइनिंग भी देनी है, तभी जाकर के आगे इनको वोट मिलेगा, है ना। तो भर्ती बहुत जल्द आएगी, मार्च एंड हो जाता है, फरवरी का महीना अपना एंड हो रहा है, मार्च वाला महीना एक महीना मानिए। आईटी वाले बच्चों के लिए कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी है इसके बारे में बात करें तो अभी तक देखिए इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13 वाला थोड़ा मैंने देखा था लेकिन मिला नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, डीजल मैकेनिक ट्रेड है और उसके बाद में टी स्मिथ वाली ऐसी कुछ करके ट्रेड है, कई सारे ट्रेड है जो कि बच्चे आवेदन करते हैं, लगभग 7-8 ट्रेड है, बाकी इस पर मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो कल या फिर परसों लेके आऊँगा। ठीक है, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।